रूप होता है। किसी को आपने प्यार से बात करते हैं, वो आपको प्यार से नहीं बात करते, तो आपके अंदर आ जाता है मेरा रेस्पेक्ट नहीं रखा, मैं कितना बड़ी आदमी हूँ, मेरे का साथ आकर के क्या बोलते हैं ऑटोग्राफी लेने वाला क्यों नहीं है, लेकिन मैं उसके पास जा करके प्यार से बात किया, उसने मुझे इतना भी प्यार से नहीं बात किया। जब मैं गया तो वो कोई सीट का प्रबंध नहीं किया, तो अहंकार अहंकार उठ जाता, वो एक अहंकार दूसरी सेना का साथी बना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, दूसरों को निंदा करना, ये सबसे बड़ी कलाम हो गए कलयुग में। कौन सा एक स्टाइल ऑफ लाइफ चल रहा है, ऑलवेज मेक अदर्स विक्टिम, दूसरों को इंसल्ट करो, निंदा करो, हर चीज के लिए निंदा करना है, निंदा के बिना आगे नहीं बढ़ते। निंदा करना एक तरह की काम हो गया। देखो एक सास और बहू के घर में उसका लड़का जब भी आता है, बहू कितने भी अच्छी तरह खाना परोसते फिर भी उसका सास बैठ करके खास खाने के टेबल में उसके बेटे के सामने कुछ ना कुछ दोष निकाल के उसके बहू को निंदा करता है। हम समझते हैं ये सास का संस्कार, लेकिन हमें ये नहीं समझ रहा है वो सास को थोड़ा अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग है, डर है। वो क्या डर है, मेरा बेटा शादी के पहले मेरे बात अभी इसके कंट्रोल में आ गया, आगे वो मेरा पूरा कंट्रोल से चले गया तो मेरा क्या होगा, ये डर से वो क्या करता है, उसको निंदा करता है। ये संस्कार किसका है, क्रोध, एक्सपेक्टेशंस, इनसिक्योरिटी, रेस्पेक्ट हो गया यहां का। वैसे ही क्रोध में दूसरा एक बात शत्रुत्व, कई लोगों का शत्रुत्व संस्कार ऐसा होता है, समझो मैं और मेरा दोस्त एक है, मेरा दोस्त को दूसरे से परिचय है, उसने मुझे भी परिचय कराया। एक दिन ऐसा हो गया, एक्स वाई दोस्त है, जेड तीसरा पर्सन, एक्स का फ्रेंडशिप जेड से हो गया तो वाई भी जेड का फ्रेंडशिप हो गया। एक दिन एक्स और जेड के बीच में झगड़ा हो गया, तो एक्स जेड से अलग हो गया, तो वो देखता है वाई भी जेड से अलग होना, अगर वाई जेड से अलग नहीं हुआ तो वो वाई को ही छोड़ दे। कैसे कहता है ना, आप देखते हैं कई खानदान में से चलता है, जब कोई पति पत्नी होता है, जब पति को उस पत्नी के जो माँ बाप होता है, उसका खानदान होता है, कुछ तरह से उसको एक तरह से उनको तिरस्कार हो गया, तो वो क्या कहते हैं, मुझे आपके घर वाले नहीं, आपके घर वाले के भी कोई बेचारा वाले अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब शत्रु, शत्रु एक से आपका हिसाब था, आपने सबसे हिसाब बना लिया, होलसेल मार्केटिंग हो गया, शत्रुता। कभी भी हमको खुशी से जीना नहीं देते, एक के साथ आपका हिसाब है, दूसरों से हिसाब नहीं बनाना। आपको जो शत्रु है तो मुझे क्या है, मुझे तो मित्र है, आपका शत्रु है तो मुझे भी शत्रु होना है, कानून है क्या, आपको ये चीज अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं खाने में मना नहीं, आप नहीं खाते तो मुझे नहीं खाना है क्या, आपको जामुन पसंद है मुझे पसंद नहीं, अगर मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी खाना मना किया तो उसका मतलब क्या है, कितना तिरस्कार अंदर होता है। देखो ये सब किस लिए होता है, खुद को शुद्ध आत्मा भूल गया, सामने वाला को शुद्ध आत्मा भूल गया, ये सब का साम्राज्य आ गया। ईर्षा ये भी कम बात नहीं, जलस नेचर ज्यादा से ज्यादा 90% ये बैलों को होता है, वो प्रकृति में ले जाता है पार्सल वैसा, लेकिन आजकल सब में भी आता जा रहा है। ईर्षा मतलब क्या है, दूसरों से कंपैरिजन, वो कंपैरिजन क्यों करता है,
कई कंपनी में मैंने सुना ऐसे भी है जो बहुत अच्छे एक सर्विस में आगे बढ़ते हुए एक प्रोफेशनल होता है, उससे भी बहुत अच्छे वाला आ गया तो उसको कभी सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझता है अगर ये अंदर आ गया तो मेरा पोजीशन डाउन हो जाता है, इसलिए उसको आने नहीं देते। ईर्ष्या, जिसके अंदर ईर्ष्या है वो वैसा है जैसे पेट में जलन है, पेट में जलन होता है तो आपको नींद नहीं आता, और ईर्ष्या वाले को कभी भी आनंद से नींद नहीं आता है, इसलिए ईर्ष्या का संस्कार नहीं रखना है। ईर्ष्या खुद ही खुद देने का सजा है, जैसे आप एक पिन लेकर के खुद को ऐसे चुपते हैं, जैसे ईर्ष्या संस्कार वाला सेल्फ और पनिशमेंट देते हैं सर। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए द्वेष कईयों को इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है वो जीवन पर माफ नहीं करता है, किसी के भूल को माफ नहीं किया, द्वेष का संस्कार वैसे ही क्या ही होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देते हैं तो जाते वक्त कौन सा संस्कार लेके जाते हैं, द्वेष का संस्कार। भाई बहनों, आप सभी अभी बहुत अच्छी तरह से सुनो, हमारे अंदर हिंसा करने की संस्कार, अहंकार का संस्कार, धर्म का संस्कार, चित्त का संस्कार, निंदा करने का संस्कार, चुगली का संस्कार, शत्रुता का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, घृणा का संस्कार, अपेक्षा का संस्कार है, तो हमारे में क्रोध अभी तक जिंदा है, हम क्रोध से मुक्त नहीं हुआ। अगर हमको क्रोध से मुक्त होना है तो इन सभी बातों पर काम करना है। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं समझो आना जाना, पुरुषार्थ का मतलब है इस बीमारियों को ठीक करना, पुरुषार्थ का मतलब क्या है इस बीमारियों को ठीक करना। रोज मुरली जो परमात्मा का महावाक्य हम सुनते हैं उसमें इन सब बीमारियों का दवा, इन सब बीमारियों का दवा कहाँ है, मुरली। इस एक मुरली एक दवा खाना है, इस एक मुरली एक हॉस्पिटल में, इस एक मुरली हम सबके लिए रोग मुक्त जीवन देने वाला, क्रोध मुक्त जीवन देने वाला एक बहुत बड़ा क्या है, अमृत है, इसलिए इसको कहते हैं क्या अमृत, इसको अमृत कहते हैं, तो ये है विष, पॉइजन, क्रोध पॉइजन है, ज्ञान है। जब पॉइजन लेने वाले का जीवन कैसा होता है, जल्दी मर जाता है, अमृत जो पीते हैं वो अमर रहते हैं। तो बोलिए हमको अमर बनना है या माया के जीवन में मर मर कर जीना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो आज सभी इस क्रोध वृक्ष के पहचान को जानकर इस पर पूरा हम विजयी होंगे, ऐसे दृढ़ संकल्प करते हैं, उठो हाथ।